नमस्कार बहुत ही अहम अतिथि हमारे साथ आज बैठे हैं प्रकाश भाव अम्बेडकर जी आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अगाड़ी ने बहुत ही एक प्रभावित प्रदर्शन किया था आगे का रास्ता क्या ठीक है हमारा आगे का रास्ता तो विधानसभा का रास्ता भी है लेकिन फिलहाल हमने एक नई लड़ाई यहाँ पर शुरुआत की है क्योंकि जो कोई लोकसभा के चुनाव हुआ उसमें लोगों की जो कहना है वो मतदान में दिखाई नहीं देता है और आंकड़ों के साथ में हम लोग ने दिखा दिया है कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उस 48 कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने वोटिंग हुआ मतदान हुआ और जितना काउंटिंग हुआ ये दोनों का कहीं मिलाप नहीं है कहीं जगह कम है कहीं जगह ज़्यादा है तो ये कैसा है इसका मेरे ख्याल से जांच हम लोग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग ने चिट्ठी लिख रही चिट्ठी चि, लिख दी है कि ये डिफरेंस आया कैसा साथ साथ हम लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि वो भी जांच करें जांच ने इस पर फ़ैसला करे कि जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारी ईवीएम वी नहीं हो सकती टैम्पर नहीं हो सकती है तो ये अब ये इसको मानना अगर ले कि भाई टैंपरिंग नहीं है तो कम वो एक वोट कैसे आए ज़्यादा वोट कैसे आए दोनों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन कोर्ट ने जो है इस पर फैसला देना चाहिए ऐसी हम लोग की मांग होगी अभी अभी तो दो तीन महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे आपको लगता है कि इसके बीच में कोई फेरबदल होगा ये सब अगर अगर ईवीएम सवाल ऐसा है कि यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ किस तरह से रिएक्ट करती है ये सबसे बड़ा मामला है पार्टी की तौर से तो हम लोग ने ली लिया हम दूसरे पार्टियों से अपील कर रहे हैं कि वो भी इसमें अपने अपने राज्यों में इसका इशू उठाएं क्योंकि ये सही मामला है कि डिफरेंसेस आ चुके हैं देखना ये है कि तीन जुलाई तक पिटिशंस दाखिल किए जा सकते हैं हाई कोर्ट में इलेक्शन के खिलाफ फोर्टी फाइव डेज फोर्टी फाइव डेज का जो नोटिस जो पीरियड दिया हुआ है तो मैं कई पार्टियों से अपील करता हूं कि वो भी इसको थोड़ा सा आगे जाके इलेक्शन पिटिशन फाइल करें क्योंकि अगर कैंसिलेशन करके आपको आपको लेना है तो कोर्ट ही इसको कैंसिल कर सकते हैं और वो भी हाई कोर्ट कैंसिल करती है सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सुप्रीम कोर्ट में अपीलेट होगी खाली लेकिन इसलिए हाई कोर्ट का अपील करना ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज ये कहेंगे नोटिफिकेशन निकल चुका है उस नोटिफिकेशन को आपको चैलेंज नहीं किया है और इस नोटिफिकेशन को आपको चैलेंज नहीं किया इसकी वजह से ये है अब यह कुछ नहीं हो सकता फिट ए कंप्ली है इसलिए आपको इस फैक्ट को मानना होगा इससे अगर बाहर निकलना है तो पैंतालीस दिन के अंदर मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ डिफरेंसेस आए वहाँ पर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन पिटिशन कैंडिडेट ने ही डालना ज़रूरी नहीं है एक वोटर भी पटिशन डाल सकता है कोई भी वोटर कोई भी वोटर, भी वोटर। कुछ दिनों में हम लोग जो वंचित बहुजन आघाड़ी की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे एक ड्राफ्ट और क्या क्या इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका मेरे ख्याल से हम लोग अपलोड कर रहे हैं और उस अपलोड करने के बाद इसका जो है वो उसको कॉपी करके वैसे ही वैसे डाल सकते हैं उसमें तो मतलब आपका ये कहना है सर कि यू थिंक आई इलेक्शन कमीशन फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ने जब तक अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं आती है कि ये डिफरेंस क्यों हुआ है तब तक हम लोग इस पर कोई आरोप नहीं कर सकते हम लोग रुके है कि अभी तक नहीं कब, आने का कब अपेक्षा है, वो के है वो हम दूसरी एक बात सर मतलब विभाजित था पूरा विपक्ष इस बार चुनाव में विभाजित था और ये भी एक कारण हो सकता है कि चुनाव के नतीजे जिस तरह आए है, जो जो मैं, मैं जब जब है, है, है उसमें अगर अंतर आ गया है तो विपक्ष इकट्ठा हो या अलग अलग हो उससे मतलब क्या है नहीं मगर मैं थोड़ा इलेक्शन के मुद्दे पे आ रही हूँ कि लगता है कि जो मेन मुद्दे थे इलेक्शंस के बहुजन समाज के बेरोजगारी के वो मुद्दे अभी बिल्कुल दूर हो गए हैं और कई और मुद्दे के ऊपर इसमें कई इश्यूज है कि जिस पे चर्चा होना जरूरी है जैसे कि मुस्लिम समाज का कुछ मुस्लिम समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका ये कहना चाहिए उनका यह था कि द मुस्लिम शुड बी इन फॉरफ्रंट ऑफ द ऑपोजिशन अलायंस एक ये था दूसरा यह था कि कांग्रेस पार्टी सबको इकट्ठा लेके जाने के लिए तैयार नहीं थी ये भी है तीसरा जो है इसमें रीजनल पार्टीज की अपनी एक कंसर्न है उस रीजनल पार्टी के कंसर्न को कोई करने के लिए तैयार नहीं है तो ये जो है कि भैया वन टू वन का जो मामला चलता है मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेसिकली वी आर नॉट जस्ट एंटोगनाइज बट वी आर एनिमीज वी आर ट्रीटिंग तो ये जो एनिमी का जो एलिमेंट आ रहा है मैं उसके खिलाफ मतलब एनिमी किसको मतलब को मतलब, मतलब आप सत्ताधारी आप सत्ता है कि जैसे सत्ताधारी पक्ष है सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ सभी ने इकट्ठा होकर इसको गाड़ देना चाहिए ऐसी जो भावना होती है ये भावना मेरे ख्याल से उचित नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी है डिफरेंसेस है सिस्टम चलना चाहिए ये बात है सिस्टम चलना का मतलब ये नहीं कि हम लोग विनिंग पोजिशन में रहें ये जो लोगों का दायरा बन चुका है कि हम विन हो गए तो ही हम जीत गए विन हो गए और हमारी सरकार आ गई तो ही यह हो गया मैं ये नहीं समझता हूँ या आइडियोलॉजिकली विचारधारा बचना ये सबसे बड़ी बात है जी तो आइडियोलॉजी आप ऐसा चार? है कि आइडियोलॉजी अगर बचना है तो उसको इलेक्शन से जुड़ने से कोई मतलब नहीं, नहीं मगर आपने ये कहा था ना शायद इलेक्शन के पहले कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा कांग्रेस को और चूंकि वो बोलती नहीं है इसीलिए आपका साथ में आना मुश्किल है वही कहा कि ये डिफरेंसेस है जी इस डिफरेंसेस को पब्लिक ने एक्सेप्ट करना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि भैया बीजेपी के खिलाफ दोनों लड़ रहे हो इसलिए दोनों इकट्ठा आ जाओ ये जो एक मुस्लिम समाज की जो भावना है और दलितों में भी भावना है कुछ और समाजों में भी भावना है आप, आप आपके डिफरेंसेस बगल में रखिए लेकिन हमारा इशू आगे लीजिए ये राजनीतिक पार्टी वैसी नहीं चलती है राजनीतिक पार्टी अपना एक मकसद लेके चलती है और मकसद ये है कि आइडियोलॉजी जिंदा रहना चाहिए आइडियोलॉजी जब तक जिंदा रहेगी तब तक यहाँ की सिस्टम चलेगी ये जो इलेक्शन ओरिएंटेड पूरा जो हो चुका है कि हम जीते तो ही हमारी आइडियोलॉजी बची आप, आपको ये ऐसा नहीं लगता सा कि मोदी सरकार मोदी शाह की सरकार के अंदर विपक्ष को भी खत्म करने का काम चल रहा है देखिए ये कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता सवाल ये है उसमें कि अनलेस वो अपने आप को खत्म ना करे कोई किसी आइडियोलॉजी को खत्म नहीं कर सकता महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी को खत्म नहीं कर सकता ना बाबा साहब की आइडियोलॉजी को कोई खत्म कर सकता ना सोशलिस्टों की आइडियोलॉजी को खत्म कर सकता ना मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी को खत्म कर अगर लोगों ने ही कहा कि नहीं हमको इस आइडियोलॉजी की ज़रूरत नहीं तो संगठनों का क्या मतलब है आज वही हो चुका है कि इलेक्शन ओरिएंटेड होने की वजह से हम लोग ने आइडियोलॉजी की बलि यहाँ पर दीजिए दे दी लीजिए और ये बलि देने के बाद जो वैक्यूम हुआ है उस वैक्यूम के अंदर जो है वो राइटेस्ट विंग जो है वो घुस चुकी है और वो हावी है अभी ये बात सही है कि राइट विंग यहाँ पर हाबी है इसमें कोई दोहरा नहीं है लेकिन इससे अगर रुकाना है बाहर निकलना है बाहर निकलना है, तो आपको आइडियोलॉजी के साथ ही जाना होगा दूसरे और किसी के साथ नहीं जाना ईवीएम के टैंपरिंग के साथ साथ पैसे का भी बल इलेक्शन में बहुत इस्तेमाल हुआ है सत्ताईस हजार करोड़ की बात हो रही है कि सत्ताईस हजार करोड़ पैसा आ... मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा आपकी मतलब आप, आपको नहीं लगता कि बेहिसाब पैसा सत्ताधारी पक्ष ने इस्तेमाल किया है जहाँ तक हम लोग की बात है इलेक्शन की बात अगर कहूँ तो मैं इस बार जो है इलेक्शन का खर्चा चाहे जो कोई राजनीतिक पार्टी हो सभी राजनीतिक पार्टियों को कम हुआ है ये मेरे ख्याल से हम लोग ने पहला मानना चाहिए कि दिस इज़ दी फर्स्ट इलेक्शन वेयर पहला इलेक्शन है कि जहाँ पर पैसे बांटे नहीं गए चाहे वो मुस्लिम बस्ती हो चाहे वो दलित बस्ती हो

कौन से पार्टी को दिए हैं नॉन ट्रांस ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रल बॉन्ड से आए हैं सवाल ऐसा है कि उसका उसका विवरण पहला आना चाहिए उसके बाद ही मेरे ख्याल से यहाँ के पोलिटिकल पार्टी जो है रिएक्ट होगी उसके पहले वो रिएक्ट नहीं अच्छा आखिरी सवाल आरक्षण पे है सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मोदी और शाह इस तरह का पॉलिटिक्स चलाएंगे कि आरक्षण का मतलब ही निकल जाएगा और अभी लैटरल एंट्री उन्होंने शुरू कर दिया आई एस ऑफिसर इसकी हम लोग मोदी सरकार तो दोषी है ही मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन कांग्रेस सरकार भी उतनी ही दोषी है प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर जो आया है ये प्राइवेट सेक्टर कांग्रेस के लिए आई है आप कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हो होटरल नहीं, नहीं, एंट्री में सात सौ आएंगे सात सौ से हजार आएंगे उससे ज्यादा नहीं आएंगे लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉयज पब्लिक सेक्टर में था गवर्नमेंट सेक्टर में था जिसको कांग्रेस ने पूरी तरह से ये किया है उसको आप लोग क्यों नहीं कोसते हो ये जो शुरुआत हुई है कांग्रेस की वजह से शुरुआत हुई है और बिना कांग्रेस को बात करते हुए हम सीधे अगर बीजेपी के तौर चलते हैं तो मैं ये कहूंगा मैंने जो कहा कि हमारी एक व्यू पॉइंट एनिमी की व्यू पॉइंट जो बनी है उस एनिमी के व्यू पॉइंट से मैं सहमत नहीं हूं आर एस एस के साथ का झगड़ा है आइडियोलॉजी का झगड़ा है सवाल ऐसा सवाल ऐसा है उसमें कि व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं यहाँ जो हम लोग व्यक्तिगत दुश्मनी की तौर से जो देख रहे हैं वो गलत है ऐसा मैं मानता हूँ एवरी पर्सन इज एन इंडियन पर्सन और विद इन विध इन इंडिया विदिन, विदिन, विदिन इंडिया इंडिया विद इन इंडिया दे नॉट बी एनिमीज दे कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहाँ हम एक दूसरे पर थोपने की बात करेंगे थोपने के वक्त हम लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये बात सही है कि इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होगा लेकिन जिसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एनिमिटी की बात आ रही है ये डेमोक्रेसी और इंडियन सोसाइटी के लिए उचित नहीं ऐसा मैं मानता हूँ वैचारिक बात है ना अगर ऐसे विचार विचारधारा की बात विचारधारा की बात ऐसी है मैं ये पूछूंगा फिर मुसलमानों से पूछूंगा दलितों से पूछूंगा कि भैया आपने कांग्रेस को वोट दिया तो तब आपने कांग्रेस को क्यों नहीं ये कहा कि भैया ये गैर संवैधानिक है तब आप इसको कार्रवाई क्यों नहीं की नहीं, नहीं, मगर सत्तर दे... साल सत्तर साल यहाँ की कांग्रेस की सत्ता रही सत्तर साल में आप लोग कुछ नहीं कर सके और सत्तर साल के बाद में सत्ता में आने के बाद ये आप कह रहे कि नहीं ये हमारे एनिमीज है ये कहाँ से आई इसका मतलब इसका मतलब ये है कि हम हमारी जिम्मेदारी अदा नहीं करना चाहते हकीकत जब सामने आती है तब हम उस पर रियक्ट कर रहे हैं ये ये जिम्मेदारी की बात नहीं है जिम्मेदारी की बात कर रही है तो वैचारिक वैचारिक था कि कोई जिसको कांग्रेस को सत्तर साल सत्ता में बिठा मुसलमानों ने बिठा दलितों ने बिठा है पिछड़ो ने बिठाया जिन जिन लोगों ने दिखाया और जो आज ये कह रहा है कि भाई आरएसएस एस क्या है, ये कर रहा है वो कर रहा है मैं उनसे पूछूंगा यार तब तुमने कांग्रेस वालों से नहीं क्यों नहीं कहा दिखा दो कर तो रहा हूं ना मैं आज भी कह रहा हूं ना कि हम उसके खिलाफ है लड़ रहे इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है हम यही कह रहे हैं कि उसको उनको संविधान 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 के दायरे में लाना यह हमारा मकसद है जिस दिन वो संविधान के दायरे में ले आएंगे हम लोग यही कह रहे हैं कि भैया ये संविधानिक संगठन हो गया फिलहाल तो संविधान को मैं नहीं मानते ना वो। जब शाखा निकलते सवाल ऐसा है कि आप ये सवाल कांग्रेस वालों को क्यों नहीं पूछते चालीस साल चालीस साल सत्तर साल कांग्रेस की सत्ता रही तब किसी कांग्रेस के वोटर ने इस सवाल को नहीं पूछा सर हमने पूरे सवाल शहर जला था तो हम लोग ही खड़े थे बंबई में अभी विचार हो रहा है कि मोदी शाह भारत में इसलिए मोदी शाह के बारे में मैं भी सवाल कर रही हूँ बयानबे तिरानवे no, no, में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और हम लोग सड़क पे उतरे थे सवाल हम लोग सड़क पे उतरे थे शहीद होने के बाद सर की जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक हम किसी को सवाल नहीं कर रहे थे ऐसा नहीं है सर हम लोग चौरासी में भी किए जब, जब सिखों के साथ दिल्ली में हुआ नैली में भी किए जब आसाम में ही हुआ तो हम जो मुद्दे से कर लें सर जब मराठवाड़ा का एडिटेशन हुआ तब दलितों के साथ हुआ तभी भी किया आज एक सीधे सीधे सवाल हमारा सवाल मुस्लिम और दलित दलित के साथ क्यों जोड़ रहे जैसे डॉक्टर तड़वी है जिसकी तानेबाजी की वजह से उसने आत्महत्या की आप ये आप कई चीजें बाहर आ रही है जितने ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वो ही लड़ रहे हैं हम लोग भी साथ में उसमें सर प्रॉब्लम है इलेक्शन की जब बात हो रही है तो गुस्सा दलित बहुजन वोट के ऊपर क्यों रहा। ऐसा है कि शी इज ए मुस्लिम और उसके बावजूद भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगे नहीं आया सर वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आएगा भी नहीं है हाँ। लेकिन मगर कलकत्ता में जला है कलकता को। ये है है कि आप लोगों ने ये तड़वी है चीज ट्राइबल या तो ट्राइबल के ऊपर हुआ तो मुसलमान उसके साथ में नहीं है नॉर्थ ईस्ट के सर हम लोग हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडीज की बात कर रहे हैं ना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मैं समाज की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी सवाल ऐसा सवाल है, है, है कि कि हम हम सवाल ऐसा है, है, है।, है कि जब यहाँ अखलक का हुआ तो सब जन बाहर आए अब ये तड़वी का हुआ तो क्यों नहीं आए बहुत लोग आए सर बहुत सारे लोग बाहर जितने भी आए बाहर आए वो हमेशा बाहर आते रहे वो लड़ते रहे हैं चाहे उनकी ताकत कम हो हमारा यही कहना है ना हमारा यही कहना है कि हम लोग से लड़ रहे हैं आगे भी लड़ेंगे मगर इलेक्शन सवाल, तो सवाल सवाल तो तो पूछे जाएंगे दे। ना सवाल सवाल ये है उसमें कि हम लोग सिलेक्टिवली अपनी भूमिका लेते हैं कौन सा और जो ले रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ सिलेक्टिवली भूमिका लेते हैं आपको है कि थोड़ा गुस्सा है कि नॉन महार वोट आपको नहीं मिला मुझे उसको 40 लाख महाराष्ट्र में है ही नहीं 40 लाख में तो गुस्सा है कि नॉन महार और मुस्लिम वोट आपको नहीं मिला इसके इसी आपको गुस्सा है मुझे 40 लाख के अंदर ओबीसी का वोट है दलितों का वोट है मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसमें मुसलमानों का वोट नहीं है तो वो गुस्सा मैं कह, मैं, पर मैं वो उस मैं, से नहीं जोड़ना मैं मैं गुस्सा नहीं निकाल रहा ऐसे कैसे कह सकते वही कह रहा हूँ भाई इसलिए कह रहा हूँ चाहे वो फिर गुजरात का मामला हो चाहे बम्बे यहाँ के नाइनटीन नाइन्टी टू का मामला हो रामदास रामदास अठौले के खिलाफ नाइनटीन नाइन्टी टू में स्टेटमेंट निकालने वाले हम लोग की थे वहाँ पर सवाल वो नहीं है कि जब वो वहाँ चले गए और शिवसेना के साथ में बैठ के वहाँ पर चला दिया मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप भूमिका लीजिए भूमिका तो ले भूमिका नहीं ले रहे हैं मेरा यही कहना है कि है। मेरा यही कहना है कि जो इशू मेरा गुस्सा नहीं है लेकिन दर्द है और दर्द यह है कि कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है जो फोर्सेस आरएसएस के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार है उसको हम लोगों को खतरा आरएसएस से कम है मुसलमानों को पहला है मुझे लगता तो भारत हिंदुस्तान मुझे बुनियादी बात बुनियादी बुनियादी की बात नहीं है आप लोग यह पहला मुसलमानों ने सोचना चाहिए कि कम्युनिस्टों की ताकत कम क्यों हुई मुसलमानों ने यह पहला सोचना चाहिए कि सोशलिस्टों की ताकत क्यों कम गई वो भी इंसानियत के लड़ते थे लेकिन आपकी जीत की जो राजनीति है वो जीत की राजनीति यहां की आइडियोलॉजी की मूवमेंट को खा रही है मुझे ये खाली मुसलमानों को आगाह करना है कि आप जीत की राजनीति से बाहर निकलिए और जीत की राजनीति से जिस दिन बाहर निकलेंगे उस दिन आप मुसलमानों के साथ में दस हजार लोग इकट्ठा उनको मिलेंगे जैसे आज पेड़ा जैसे पेड़ा आज सुनो जैसे आज इम्तिहास को जिताने की ताकत वंचित बहुजन आघाड़ी की है और वो सब जिताने वाले नॉन मुस्लिम से आप इस बात को क्यों नहीं मानते हो कि हिंदुओं में सवाल यह हिंदुओं में एक फोर्स है कि जो आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है दुर्भाग्य ये कह रहा हूं कि मुसलमान उनके साथ में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है नहीं नहीं से, मैं, मुझे मेरा एक सवाल है मैं इस्ला इस बात इस, इसलिए दोहरा रहा हूं बार बार यह है कि हिंदुओं का मेजॉरिटी फोर्स ये राइट विंग के सपोर्टर्स बन चुके हैं उनमें से एक ग्रुप है जो राइट विंग के साथ लड़ने के लिए तैयार है मुसलमान ये कह रहा है कि मैं राइट विंग के खिलाफ हूँ तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो हिंदुओं का ग्रुप राइट विंग के साथ लड़ने के लिए तैयार है उसके साथ में मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हो रहा है शायद कोई मेरा एक दूसरा सवाल है बाला साहब कि हम लोग भारत को प्रोग्रेसिव संविधानिक बनाने में सिर्फ मुसलमान का ठेका है क्योंकि बाकी लोगों मुसलमानों का ठेका नहीं है मुसलमानों की भूमिका जो है मुसलमानों की जो भूमिका है वो मुसलमानों की भूमिका राइट विंग को मदद कर रही है ये मेरा आरोप है और बाकी जो सेक्शन है से बहुजन दलित में सवाल ऐसा है बीजेपी के सवाल ऐसा है, है, है कि आज तक मुसलमानों को जीतने की महाराष्ट्र में चालीस साल में किसी ने नहीं की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इम्तिहास को खड़ा करके वहां पे जिता के बता दिया है ये ये बता दिया है कि देर इज एन हिंदू फोर्स विच इज अ सेक्यूलर फोर्स क्या मुसलमान इसको मानने के लिए तैयार है या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि चल, चल क्योंकि ये ये सवाल मेरे मैंने सिर्फ मुसलमानों से नहीं पूछा है मैंने जैनों से भी पूछा है मैंने ईसाइयों से भी पूछा है क्योंकि उन पर अत्याचार होता है या कुछ भी न, नौबत आती है तो हम लोग को लड़ने को कहते हैं और हम लोग उनके लिए लड़ते हैं जितनी हमारी ताकत है उतनी हम लोग लड़ते हैं फिर हमसे हम उनसे आज ये पूछ रहे हैं कि आप जब कहते हो भैया राइट विंग से हमको तकलीफ है तो जो लड़ने के लिए तैयार है आप उसके साथ में क्यों नहीं है दिस इज इशू विच ऑल माइनॉरिटीज विल हैव टू सेट एंड सेटल जब तक नहीं सेटल करोगे तब तक यह राइट विंग की ताकत बढ़ती रहेगी तो वो बढ़ती रहेगी वजह यह है कि हम लोग का जैसे घोड़े को बांधा जाता है झापड़ बांधा जाता है वैसे ही हम लोगों की दिया। दिमाग पे जो है झापड़ बांधा हुआ है जिससे हम लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं आगे चल के एम के साथ वंचित भाव वो रहेगी या नहीं रहेगी रहेगी ना क्यों नहीं रहेगी आपने कहा मुसलमान ने इतना आपको बिट्रे किया है तो... मुसलमानों ने बिट्रे किया एमआईएम एम ने बिट्रे नहीं किया है थैंक यू